الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے
ईमान वाले हो तुहाडे ते रमजान ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने जिस तरह ये पहलियां कौमां ते भी फर्ज सन ताकि तुसी मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ। ये चंद दिन गिनती देने गिनते जाओ दे गुजरते जाएंगे जो तुसांदरों बीमार हो जाए या सफर दे अंदर चला जाए उदे वास्ते ए राय ते कि अपने दिन शमार कर लवे ते बाद अंदर ए दिन पूरे कर लवे। जिन्हों अल्लाह ने ताकत दी है उदे ते रमजान दे रोजियां दा फिदिया है ओ मिसकीन नू खाना खिलावे। अगर तुसी जानदे हो ते ए कम तुहाडे वास्ते बड़ा ही बेहतर है। रमजान दा महीना ओ महीना जिदे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी किताब उतारी है। रमजान ते अल्लाह दा कुरान ए दोवें अल्लाह दियां वाजे निशानियां ते लोगां वास्ते हदायत ने। जेड़ा बंदा भी रमजान दे महीने नूं पा लवे उन्हूं चाहिदा है वो आप रोजे रखे। अगर कोई बीमार हो जांदा है या सफर ते चला जांदा है वो अपनी गिनती दे दिन बाद अंदर पूरे कर लवे। अल्लाह तुहाडे नाल आसानियां दे इरादे रखदा है तुहानू तंग नहीं करना चाहते ताकि तुसी बाद अंदर अपनी गिनती पूरी करो और अल्लाह दी बड़ाई बयान कर सको। जिस तरह तुहानू हदायत दी गई है तुहानू समझाया गया है तरीका दसिया गया है ताकि तुसी अल्लाह दे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। हमदो सना और दरुद सलाम तो बाद साहेबो साथियो दोस्तो बजुर्गो दूसरे पारे दिया तीन ऐतां इस वक्त मैं तुहाडे सामने तिलावत कीतियां ने। सूरह बकरा है दूसरा पारा और दूसरे पारे दी 183 नंबर ऐत तो लैके 84 और 85 यानी तीन ऐतां तुहाडे सामने पढ़ियां ने जेड़ियां आसमान दे खालिको मालिक ने सन 2 हिजरी दे अंदर शुबानुल मुअज्जम दे महीने च नाजल फरमाइयां सन और रमज़ान मुबारक दे रोज़ियां दा हुक्म नाजल फरमाया। जिमें अल्लाह ने नवाज फर्ज की जकात फर्ज की ऐसे की तरह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान दे रोज़े सन 2 हिजरी शुबान दे महीने दे अंदर इं ऐतां नाजल फरमा के ईमान वालियां ते रोज़े फर्ज फरमा दिते और लोगों नूं इह बात दसी लोगों ये महीना जेड़ा मैं तुहाडे कोल अपना मेहमान बना के भेजे हैं ये बड़ी अजमत वाला है बड़ी शान वाला है बड़े मुकाम वाला है बड़ी रिफत वाला है। एक हदीस है ते काबले नज़र है उदे अंदर मुहद्दिसीन दा इख्तलाफ है उदी सनद अंदर जिरा है लेकिन उनके अल्फाज ने शुबानुल मुअज्जम दे महीने च मदीना पाक दे अंदर नबी अली सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया लोगों या यूहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुल शहरुन मुबारकुल शहरुल फीकी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। नबी अली सलाम ने फरमाया तुहाडे कोल एक ऐसा मेहमान महीना अल्लाह दा तशरीफ ले आ रहे हैं जिदी इतनी फजीलत ते शान ते मुकाम है जिदा इतना मरतबा है कि उहदे इस्तकबाल वास्ते 11 महीने अल्लाह दी जन्नत नूं संवारिया जांदा है उहनूं सजाया जांदा है उहदे अंदर जनाब इंतजामात इंतजाम किए जाते ने उहदी तैयारी की जाती ते जदों रमज़ान की पहली रात हुंदी है ना अल्लाह
फतिहत अबवाबुल जन्नत उस्समानिया, जन्नत ने अठों दरवाजे खोल देंदे ने, और जहन्नम ने गुल्ली का तिल अबवाब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते जाते ने। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलते ने ना, तो जन्नत एक हवा चलती, वह हवा पत्तियां नू लगती, दरख्तों के पत्तियां चो बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती, बड़ी रौनक आ जाती जन्नत, बड़ी अल्लाह की रहमत बहारा लग जांदियां ने। ए हूरो गलमान पुछदे ने, सोहणिया रब्बा अज कीड़ी रात है, जिस रात नू जन्नत बड़िया ही रौनक ने। अल्लाह फरमा रहे ने कि मेरे जन्नती हूरो गलमान, अज मैं अपने बंदियां कोल अपना मेहमान महीना रमज़ान भेजे है, रमज़ान की अज पहली रात है, मैं शैतान बन छड़े ने, जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते ने, अज मैं अपने बंदियां लई अपनी रहमत दे ते अपनी जन्नत दे दरवाजे खोल दिते ने। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे बंदियों, हुण मेरी जन्नत च आन वास्ते कोशिश कर लो, दौड़ लगा लो, मेहनत कर लो, एक दूसरे तो अगे वधन की कोशिश करो। आओ ये रमज़ान मुबारक दो मेहमान महीने जिदा मेरा अल्लाह पाक आप एहतराम करते ने, पूरा साल इस महीने वास्ते तैयारी करवाई जाती। ये साढ़े को मेहमान महीना आया, यदि शान ते मुकाम पता जाए कि ये अंदर हर अमल हर नेकी 70 तो 700 गुना बढ़ जाती। बंदे वास्ते एक नेकी करे तो 700 नेकियां का सवाब मिलता। जे ये रमज़ान के महीने दियाँ बरकतां ने, ये अंदर बंदा उमरा करे तो पता जे किन्ना सवाब। आओ जरा इतों बाद चराइए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम ऐलान कर दिता है हज्जतुल विदा दे मौके आते, मेरे सिहाबियों आओ हज करन चलिए। नबी अली सलाम दे सिहाबा तैयारी कर रहे ने, बड़े चा चढ़े हुए ने, सहाबानू बड़े चा चढ़े ने, अज अल्लाह दे पाक पैगंबर नाल रल के हज करन जावांगे। मेरे पैगंबर दे 1.5 लाख सहाबा ने तैयारियां कीतियां ने, मेरे पैगंबर दे नाल कमो पेश 1 लाख सहाबा जा रहे ने हज उमरे वास्ते, या लख तो उपर ने। सहाबा दे अंदर मर्द भी तैयारियां कर रहे ने, कई खुश नसीब सिहाबियात औरतां जो भी तैयारी कर रही ने, ते एक घर अंदर इंज का भी मामला बनया ना। अल्लाह दा बंदा मेरे नबी दा यार घर आके हज की तैयारी करने वास्ते अपना समान जमा कर लग पे है। एदी बीवियां दी अल्लाह दे बंदे, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी हज कर जावा और हूँ ही जावा, अल्लाह दे पाक पैगंबर नाल मिल के हज करा। ओ यार किंदा दिल नहीं सी जांदा के पाक पैगंबर अली सलाम दे नाल आप दियां सफां दे विच ओ जनाब हज करन वास्ते जावे, आप दे नाल लबैक लबैक पड़े, एक नज़र बैतुल्ला ते होवे, कदे नज़र पाक पैगंबर दे चेहरा अनवर ते होवे, नबी अली सलाम नाल मिल के हज करे। यार समाई ते अजीब बने होंगे और सारे सहाबा ते सहाबियात दिल धड़क रहे ने, हर बंदा तैयारियां कर रहा है। अल्लाह दी बंदियां दी अल्लाह दे बंदे आ अपने शोहर अगे तरले पा रही है, आंदी है मैं भी जाना चाहनी हाँ, मेरा भी दिल चाहता है मैं बैतुल्ला दहज करा, और इन्हां दिनां अंदर जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम दे नाल रल के काफला जाएगा, आप दी क़यादत अंदर ये पूरा काफला बैतुल्ला दा तवाफ करेगा, सफा मरवा दी सही करेगा, मेरे पैगंबर दे पीछे नमाज़े हज अदा करेगा। अल्लाह अकबर पाक पैगंबर दे खुतबे सुने जानगे। ए सहाबी आंदा है मेरी घरवाली है तू जाननी है साढ़े घर दे हालात कैसे ने, असी माड़े हाँ हाँ असी गरीब हाँ, सुनी ना। अल्लाह अकबर कईयां नू अल्लाह ने माल कोई नहीं दिता हुंदा, लेकिन ईमानी जज्बा बड़ा हुंदा, ईमानी कुवत बड़ी हुंदी है, आंदी है अल्लाह दे बंदे आ मैं फक
ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਵਣ ਦੀ ਇਤਾਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਏ। ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਪੈਗੰਬਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏ, ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਅਤ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਫਜ਼ਰ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪਰਜ਼ੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਓ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾਓ, ਹਦੀਸ ਉਠਾਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਪੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੀਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਐਡਾ ਅਫਜ਼ਲ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਜੁਮੇ ਦਾ? ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਆਪ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਨਪਲੀ ਰੋਜ਼ੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਫਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਂਦਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਯਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ। ਆਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਰ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸਹੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਮ ਤਤਵੋ, ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਤਾਕਤ ਬੜੀ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਨਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ,
मैं होर रोजे रखना चाहना, मैं कुर्बान जावा है मेरे पैगंबर दे यार ने, जिन्हां नूं नफली रोजियां दी एडी फिकर है, फर्जी ओ यार किवें छड्डणगे जिहड़े नफली इन्ने रखदे सन। मेरे पैगंबरां ते ने अब्दुल्ला एक दिन रोजा रखिया कर ते एक दिन दा इफ्तार कर लिया कर, यानी महीने दे 15 रोजे रखने ने ते 15 अफतार करने ने। जनाब अब्दुल्ला आंदे ने सुने मेरे च ताकत ए तू भी ज्यादा, मेरे पैगंबर फरमाते ने ओ मेरे यार अब्दुल्ला ए तू वध के रोजे रखन दी मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं दे सकदा। सुने क्यों? फरमाया मेरे भाई हजरत दाऊद अली सलाम दे ए रोजे ने, वो एक दिन रोजा रखिया करते सन, एक दिन अफतार कीता करदे सन। अगर रखने भी ने ते उन्हां दी सुन्नत उहदे मुताबक रोजे रखिया कर, इस तों ज़्यादा रोजे नहीं रखने। तेरे ते तेरे जिसम दा भी हक है, तेरे मेहमानां दा भी हक है, तेरी अख दा भी हक है, तेरी बीवी दा भी हक है, तेरे बच्चियां दा भी हकूक ने। रोजाना दे रोजे नहीं रखने, तो 15 दे रोजे रखिया कर, एक रख लिया कर, एक अफतार करिया कर। ये ते सहाबा दे ईमान ने, मेरे पैगंबर दे यार अल्लाह अकबर रोजा रख दे ते पाक पैगंबर दी सुन्नत मुताबक। वो ये नहीं सन आंदे कि यार जुमे दा दिन असी सुनिया अफजल बड़ा है, उस दिन दा रोजा रख लईए। क्यों रखे है? आंदे ने जी जुमे दा दिन अफजल है। हर किसी नूं वेखो जी सवेरे मैनूं उठा दिया जे जुमे दा जरूर रोजा रखना। क्यों? कहन लगा दिन अफजल है सरदार है, दिना दा तां रखे है। ना ना मेरे वीर, अगर कल्ला जुमे दा रोजा रखे आई और बाकी रोजे नहीं रखता, ये समझना एक जुमे दा रोजा मैनू काफ़ी है। मैनू तो इंज लगता है अल्लाह दे दीन दा मजाक है, ये मेरे पैगंबर दी सुन्नत दी सरेसान सरेआम मुखालफत है। तो इंज दा रोजा ये मेरे रब नू पसंद नहीं हो, इंज दी इबादत मेरे रब नू पसंद नहीं है। मेरे रब ने 30 रोजे फर्ज किते ने, अल्लाह ने यह नहीं पूछना तू 3 रखे नहीं आती। अल्लाह ने हिसाब लेना। अल्लाह अकबर, मैं तो यह भी सोच रहा साम, मेरे रब का कुरान कहता अय्या मम्मा दूदात, सुनी अल्लाह का कुरान वीरा, अय्या मम्मा दूदात, और चंद दिन गिनती दे दे, इन्हों गिनते जाओ ते दिन गुजरते जाएंगे। फमन कान मिनकुम मरीजा, अगर तुहाडे विचों कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई बंदा मरीज बन जाए, कोई बंदा मार हो जाए, अल्लाह पाक फरमाते ने उन्हों असी रुखसत दे दीती है। फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, या कदे सफर ते जाना पै जाए, मुसाफर नूं रुखसत उह रोज़ा ना रखे। अल्लाह सुने क्या उन्हां नूं रोजे माफ़ कर दिते? अल्लाह अकबर, मेरे रब फरमाते ने ना ना रोजे माफ़ नहीं दे, सिर्फ रुखसत दीती है। अज बीमार ना रखे, कल सही हो जाए ते गिनती पूरी करनी होएगी। ये नहीं आख्या चल तू बीमार हो गया खैर 10 दिन बीमार रहा 20 रख ले ते तेरे 30 पूरे। रब ने आख्या बीमार नूं भी माफी नहीं, अज बीमार है अज ना रख ते कल गिनती पूरी कर ली, ते बाद च गिनती पूरी करनी लैने में 30 दे 30 ने, क्योंकि फर्ज 30 कीते ने। तुसीं देखदे हो नमाज का मसला सब तो अहम मसला है, लेकिन जिन्हां औरतां नूं ऐसे अयाम जिद अंदर औरतें नमाज नहीं पढ़नी होंगी, मखसूस अयाम नमाज रब माफ़ कर दी थी, पर मेरे बंदियों बड़ी तकलीफ होंगी इन्होंने दिनों नमाज ना पढ़िया कर। औरतें नमाज नहीं पढ़दियाँ, तो जो नमाज नहीं पढ़नी उदो रोज़ा भी नहीं रखना, उन्होंने दिनों के रोज़े नहीं रखने। लेकिन मैं रब उन्होंने भी फरमाया कि नमाज की तो माफ़ी रैत दे दी, पर रोज़िया की माफ़ी नहीं, रोज़ों की बाद गिनती पूरी करनी। जेड़ा कहिंदा ना कल्ले जुमे दे रखियां गुजारा हुंदा, मेरे रब ने उहदे कोलों गिनती मंगी पूरी गिनती, फरमाया अय्याम मअदूदात, गिनती दे दिन ने गिने चुने, ये पूरे दिन लैने ने, पूरे दिनां दे रोजे होने चाहिए ने। अल्लाह फरमाते ने असी आसानियां ते कर दित्तियां ने, वाली तुक मीरुल इत्ता, असी इत्त मुकम्मल चाहते हाँ, कामल ते मुकम्मल गिनती दे दिन होने चाहिए ने, तुहानू आसानी दे दित्ती है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, तुहानू आसानी दित्ती
तंग नहीं किया लेकिन वाली तुकमिल इद्दत वाली तुकबिरुल्लाह अला मा हदाकुम जिवें रब ने समझा दिते जिवें मेरे अल्लाह ने हदायत दे दीती तुहाडी रहनमाई कर दीती उहदे मुताबक गिनती दे दिन पूरे करने ने आसानियां तो नजायज फायदे नहीं उठाने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे वीरों दुआ करया कर अल्लाह तौफीक देवे ते रमज़ान की कदर करिए। अल्लाह सानू रमज़ान की कदर की तौफीक देवे ये रोजे रखन की ये ज कुरान दियाँ तिलावतें करन की अल्लाह तौफीक देवे। बड़िया ने किया जे ये बीबी कह रही अल्लाह दे बंदे आप मेरा दिल चाहता है मैं हज ते जाना चाहनी हाँ पर हूँ मैं जा नहीं सकती सोने नबी नू मेरा सलाम कमी उन्होंने पूछी मैं केड़ा अमल करा मैं इन्ना सवाब मिले जिन्ना तुहाडे नाल रल के हज करन दा सवाब है। कायनात ने मां पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अलैका व अलैहि सलाम ओ मेरे यारां तेरे ते भी सलामती होए तेरी बीबी ते भी अल्लाह अपनी रहमत करे। अल्लाह दे बंदे उन्हें भी मेरा सलाम कह दें और उन्हें मेरा पैगाम दे दें उन्हें अल्लाह की बंदी नू दस दें। रमज़ान दे महीने च अगर अल्लाह ताकत देवे ते रोज़ियां च उमरा कर लवे रमज़ान दा उमरा करना इन्ना सवाब है जिवें मेरे नाल रल के हज करन दा सवाब है। मेरे वीरों रमज़ान का महीना है खुश नसीब गए हुए ने बैतुल्ला मस्जिद नबवी और बैतुल्ला दे सेन च कोई हरम च बैठे ने कोई मस्जिद नबवी च बैठे ने यार कोई इतों चल के यूके सेंटर कारी इब्राहिम मीर मुहम्मदी पीछे तरावियां पढ़न जाता है कोई चल के लारनस रोड ते डॉक्टर सवैयल पीछे तरावियां पढ़न जा रहे हैं लेकिन किन्ने खुश नसीब वो बंदे ने जेड़े अल्लाह दे बंदे यार बैतुल्ला पहुँचे हुए ने खाने काबे पहुँच के इन्हों दिन के अंदर तरावियां पे पढ़ते ने। अल्लाहु अकबर उतों के इमाम कोलों अल्लाह का कुरान सुन रहे ने और कितने प्यारे समा बने ने और किसे साहबे दिल की तर्जमानी करदे तेरा जौक ताज़ा करा क्या करते सन कला वाले रब्बा रोशन कर साडे सीने नूं अल्लाह लै चल मक्के ते मदीने नूं जिदा दिल करदा वो आमीन आखे जिदा नहीं दिल करदा उन्हें कोई जरूरत नहीं। अल्लाह लै चल मक्के ते मदीने नूं जरा बोलिया करो ताकि जाग आई रवे तुसी होश रवो जींदे जागदे रवो ते गल समझ आ जाए। ओए अल्लाह रोशन कर साडे सीने नूं अल्लाह लै चल मक्के ते मदीने नूं तेरा मक्का शहर निराला है जिथे जमया कमली वालाए रब्बा दिल कर दई जम जम पीने नोम अल्लाह लै चल मक्के ते मदीने नोम रमज़ान दा पाक महीना होवे और रमज़ान दा पाक महीना होवे अल्लाह पहले मक्का ते फिर मदीना होवे ओ पहले मक्का ते फिर मदीना ना होवे ओ दिल कर दई ऐसे जीने नोम अल्लाह लै चल मक्के ते मदीने नोम। आओ ना मेरे वीर अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने रमज़ान की बरकत जड़ा रोज़ियां च उमरा करेगा इन्ना सवाब मिलेगा जिवें मेरे पैगंबर दे नाल रल के हज करन दा सवाब है और रमज़ान दे महीने की फजीलत किन्नी कु है। कायनात दे इमाम पैगंबर फरमाते ने मन सा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बेही जिस बंदे ने ईमान दे नाल ओ मोमनो मोमनो ईमान वाले अल्लाह तुहाडे ईमान कामल मुकम्मल कर देवे ईमान मेरे तुहाडे इमाम पैगंबर फरमा रहे ने जेड़ा ईमान वाला जेड़ा कामल ईमान वाला जेड़ा मोमन
बंदा रमजान का रोजा रख लेंदा है और रखता किवें आम मन सामा रमजान आई मान वाहे साबा अल्लाह को सवाब लैन की नीयत अपना मुहासबा करदियां होयां अपने गुनाहां ते माफियां मंगदियां होयां अपनियां गलतियां ते शर्मिंदा हुंदा होयां अपने आप नूं बदलना एहतसाब दा माना हुंदा है नेक गुमान करना एहतसाब दा माना है अपना एहतसाब करना अपना मुहासबा करना रोज़ा रख के आंदा अल्लाह मैं किन्ने ही गुनाह कर बैठा सांदा अल्लाह मैं बड़ियां गलतियां कीतियां ई अल्लाह मेरे कोलों बड़े बड़े जुर्म हो गए ने अल्लाह मैं तेरे रमजान दे महीने दा रोजा रखिया है मैं तेरे कोलों अपने गुनाह दी माफी चाहना वा मेरे तेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बेही अल्लाह दे बंदेओ एक रोजा रमजान दा ईमान दी आलच सवाब दी नीयत अल्लाह कोलों अजर लैण दी नीयत अपना एहतसाब करदियां माफियां मंगदियां बंदा रख लवे शाम दे वेले मेरे रब्बो दी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देंदे ने मेरा रब होर किंदे गुनाह माफ फरमांदे मन का मारा मजान ईमान एहतसाबन गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बेही जेड़े बंदे ने रमजान दियां रातां नूं तरावियां पढ़ियां मन काम रमजान कई भरां दे ने तरावियां नफली इबादत पढ़ियां ते पढ़ियां ना पढ़ियां ते गल ही कोई नहीं शौक वेखो अपना शौक मेरे पैगंबर तरावियां पढ़ाने वास्ते आए तो सहाबा वास्ते बहन ली जगह ही कोई नहीं बस एक दिन आए तो सहाबा दूजी रात आए तो सहाबा उदू ज्यादा तीजी रात ते मस्जिद भरी मेरे पैगंबर तरावियां पढ़ाइया तो किनियां कु लम्मियां सन इत्थे एक सिपारा सुनते घंटे च कारी साहब घरां नूं टोर देंदे ने ते कई साढ़े परातां भी थके हुंदे की करी जी सारा दिन मजदूरी करी दी शाम नूं नहीं खलिया जांदा मेरे पैगंबर तीजी रात तरावियां पढ़ाइयां ते क्याम पता जे किड्डा लम्मा सहाबा इकराम आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर दे पिछे खड़े आ तरावियां मुकम्मल होईयां ते दौड़ के जाके बड़ी मुश्किल सहरी खाधी ते फजर दियां अज़ानां हो गईयां सारी रात ही मेरे पैगंबर क्याम च लंघा दित्ती ते चौथी रात मेरे पैगंबर वेखिया ना कुरबान जावां अपने पैगंबर तो ओ यार किड्डा रहीम ते करीम साडा नबी है किड्डा उम्मत दा एहसास अपने अल्लाह दे पैगंबर नूं साडे नबी नूं तुहाडा मेरा फिकर किन्ना चौथी रात वेखिया सहाबा नाल मस्जिद भरी मेरे पैगंबर आए कोई नहीं सहाबा सारी रात इंतजार ही करते रहे मेरे पैगंबर आज सवेरे आए न कहन लगे सहाबा यारो मैं तुहाडा शौक भी वेखिया तुहाडा जज्बा भी वेखिया तुहाडा इंतजार भी वेखिया तुहाडी तकलीफ तो भी वाकफ हाँ कि तुसी मेरा इंतजार कर करके सारी रात मस्जिद बैठे रहे हो पर मैं इस वास्ते नहीं आया किधरे अल्लाह तुहाडा शौक वेख के तुहाडे ते नमाज फर्ज ही ना कर देन मेरी उम्मत परेशान ना हो जाए सहाबा नूं ते शौक ही इन्ना सी यार पता लग्या ते मस्जिद जगह ही कोई नहीं इत्थे ऐलान हुंदे रहिंदे ने फलां बेहतरीन कारी आएगा तरावियां पढ़ाने लई ते तीन बंदे पिछे खड़े हुंदे ने ते जिहड़े नवाजी हुंदे ने उहनां चों कई नस जांदे ने उहनां ने यार कौन कुरान सुने साडा प्यार ही इन्ना कु है हालांकि अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने बुखारी शरीफ च लिखे आई मन कामा रमजान जिहड़ा रमज़ान दे महीने दियां तरावियां पढ़दा है यानी रमज़ान दा क्याम करदा है रमज़ान दियां रातां नूं क्याम करना मन कामा रमजान मानल वे ते साबा होवे मोमन ते क्याम अपने आप हो जांदा ई बंदे दा ईमान मुकम्मल होवे ते रब अपने घर सादी लैंदे ने बंदा अल्लाह दे घर आके क्याम करदा है रमजान दे महीने दा क्याम जिहड़ा मोमन करे अल्लाह कोलों सवाब लैण दी नीयत मेरे रब दी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा छड्डदे ने एते बख्शिशां वाला महीना जेब और कित्थे अलाबादी मरहूम याद आए क्या करदे सन एते बख्शिशां वाला महीना जेब रहमतां दाए खजीना जेब आईया रातां ने रब नूं मनांदियां ओ आईया रातां जेब रब नूं मनांदियां वाह वाह रौनकां माहे रमज़ान
दियां ऐसी अल्लाह दे मेहमान दियां लगा जांदा जे रब दा प्रौणा जी क्यों जी जा रहे है कि नहीं कल अजे चन नजर आया कल दिन अज लगता कल पिछला जुमा पढ़ा के गया सी अजे चन हफ्ते वाले दिन जाके चन नजर आया अल्लाह अकबर पिछले जुमे रोजा तो पहले सी आ जुमा पहला आया रोजिया का पहला जुमा खुश नसीबों लेकिन पंजाबी कहते पांजा पिया तो महीना गया पांज लंघ गए बंदा गिनन लग पवे ना तो रोजिया का पता ही नहीं लगता वेंद्यां वेंद्यां पांज लंघ गए ने छठा रोजा आ गया दुआ कर अल्लाह इस महीने च रोजे रखन की तौफीक देवे ते तीयां दी बजाए ज़्यादा रखन की तौफीक देवे अल्लाह कई सोचन क्यों तीयां दी बजाए कोई सठ रखे कोई सौ रोज़ा रखे किसी का दिल चाहता हो भाई अल्लाह मैं पूरे साल के तीन के बराबर रोजे रखने मैं इन्ने को रोजे रखा अल्लाह मैं इन्ना सवाब चाहिए रोजिया च या अल्लाह मैं डबल ट्रिपल और उस तो भी ज़्यादा रोजे रखने तो किसी शौक हो आओ मैं दसा जिन्हों शौक है ना जाओ जाके वेखो हाजी जकरिया साहब तशरीफ ले आए ने उधर जनाब हो के आए ने उन्होंने पूछ लिया जे हाजी अब्दुल गफूर साहब जाते हैं कई इतने साढ़े बुजुर्ग जोड़े रमज़ान च गए जिन्होंने पता है उत्थे जाके वेखो तो सही कारी ताज मुहम्मद शाकर रहमत हाफिज़ाहुल्लाह तआला तड़पया करते सन तड़पया कहते किस्मत नाल मैं फिर मदीना वेख्या हुब नबी विच मरना जीना वेख्या किस्मत नाल मैं फिर मदीना वेख्या हुब नबी विच मरना जीना वेख्या हर घर खिच खिच पिया देवे दावत हर घर खिच खिच पिया देवे दावता जदों मैं ए रमजान महीना वेख्या किस्मत नाल मैं फिर मदीना वेख्या हुब नबी विच मरना जीना वेख्या कहंदे हो जी तो रमजान का महीना आ जांदा है अल्लाह की कसम उत्थे जाके वेखो इंज दस्तरखान लगे हुए ने मजदूर खड़े ने मजदूर जिन्होंने तनखावा ही इस गल दियाँ दितियां जांदियां ने तुसी लोगों दियाँ मिन्नतां कर करके लोगों नूं समझा बुझा के साडे दस्तरखान ते बिठाणा है ओ ताके अफतारी इत्थों कर लैन उन्हां नूं शौक वेखो पुछो केड़ी चीज़ है क्यों इन्ना जज्बा उन्हां अंदर क्यों इन्ना शौक उन्हां अंदर क्योंकि उन्हां नूं पता अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया मन फत्ता रसाए मन मन फत्ता रसाए मन ओ ईमान वाले आ ओ मस्जिद अक्सा जान वाले आ मोहल्ला इस्लाम नगर दिया रहन वाले आ बासिया सुन लै अज मैं तालिब इल्म दियां गल्लां बन के लै जा जिंदगी दा कोई पता नहीं हो अगले जुमे मुलाकात होए के ना होए अज गल्लां सुन लो अल्लाह अकबर मैं तालिब इल्म दा पैगाम है मैं तेनू दस जाना चाहना वा मेरे पैगंबर दा फरमान उन्हें सुनया है उन्हें पल्ले बनया है जेड़े बंदे ने एक रमजान दा रोजा किसी नूं अफतार करवा जिन्हें किसी बंदे रोजा अवतार करवा दिता है अल्लाह उन्हों भी उन्हें ही सवाब देंदे ने जिन्ना अल्लाह रोजा रखने वाले सवाब देंदे ने वला यन कुस्मिन खुशैया और रोजा रखने वाले दे सवाब चला जरा बराबर कमी नहीं करते उन्हों भी पूरा सवाब है अवतारी करवाने वाले भी पूरा सवाब है और यार रोजिया के अंदर अगर तू सौ बंदे अवतारी करवा दें तेन सौ रोजे का अजाफी सवाब है अगर तू हज़ार बंदे अवतारी करवा दें तेनू हजार रोजियां दा अजाफी सवाब है यार करना किनिया कुनेकियां इकट्ठियां कर सकना है अपना शौक ते वेख अपना जज्बा ते वेख किनिया कुफ्तारियां करवाना बड़ा जज्बा आएगा ते एक दिन देग ला के बन दिती जाएगी ना ना मेरे वीर ओ यार फिकर है ते हर दिन दस्तरखान सजा दे हर दिन रोजेदारां नूं अफतारियां करवाना अल्लाह अकबर मौका रब दिता ही पता कोई नहीं जिंदगी च दोबारा ये टाइम मिलना है कि नहीं मिलना और लगा जा
जांदा जे रब दा परौणा जी, फिर किस्मत नाल इस आउणा जी। ओ की जिंदगियां ने इंसान दियां, वाशाना मागे रमजान दियां, इस अल्लाह दे मेहमान दियां। और अगली गल सुनिया जे बड़ी प्यार नाल, दिल मोमना दे पुरनूर होए, दिल मोमना दे पुरनूर होए, विच खुशियां दे मसरूर होए। सुन सुन के ऐतां कुरान दियां, वाशाना माहे रमजान दियां। आओ मैं उन हदीसां बहुतियां सुनाना चाहना ते वक्त थोड़ा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओ कायनात दे लोगो, अल्लाह ने रोज़े फर्ज कीते ने ते अल्लाह ने अपने कुरान च रमजान दा मकसद बयान कर दिता है। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह पाक फरमांदे ने, उस मेरे बंदेओ, ओ मेरे मोमनो, हुण कई आखणगे पता नहीं किन्ना वास्ते ऐतां ने, ईमान वालिआं नूं रब बनाया, असीं किहड़े ईमान वाले। जे किसी नूं बाहर कहो ना तूं तूं कोई ईमान वाला है, किसी नूं बेईमान कह के वेखो गल लग जाए तां बंदे तूं मैनूं बेईमान समझना। ते जे रब आखे ना मेरे ईमान वाले हो, तो फिर आंदे सानू नहीं है, किसी होर नूं आवाज़ है, ये सानू नहीं। मोमनो तुहानू ये जड़े मस्जिद च बैठे हो, जड़े सुन रहे हो, जड़े मनते हो, असी रब नू रब मन्ने हैं। ये मेरे रब ने तुहानू मैनू आखिया, मेरे मोमनो मैं तुहाडे ते रोज़े फर्ज कीते जे जिमें पहलियां लोगों ते भी रोज़े फर्ज सन। मैं अपने मोमना नू रोज़ियां दा तोहफा दिता, ये मैं तुहानू कल्यां ते फर्ज नहीं कीते, ये रमज़ान दे रोज़े पहले लोगों ते भी फर्ज सन। दे अल्लाह सोहणिया, तू सानू भुखियां प्यासियां क्यों रखना चाहते हो? अल्लाह रोज़ियां दे जिम्मेदार भी तुसी हो, तुसी अपने बंदियां नू खिला सकते हो, पिला सकते हो, पर अल्लाह दे अंदर हिकमत की है? सारा दिन भुखियां प्यासियां रखना क्यों चाहते हो? मेरे रब फरमाते ने लअल्लकुम तत्तकून, असी अपने बंदियां नू मुत्तकी बनाना चाहते हाँ, परहेजगार बनाना चाहते हाँ। मेरे रब तुहाडे च तकवा पैदा करना चाहते ने, तकवा ओ मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी ते तकवा दे किनू ने आओ ना, मुत्तकी बंदा किवों बनता है? सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आन वाला एक आया के आंदा, या अमीरुल मोमिनीन जरा सानू ये दसो कि मुत्तकी कौन हुंदा है? अल्लाह आंदे ने कुरान मुत्तकियां वास्ते हदायत है, रमजान लोगों नू मुत्तकी बनांदा है, हज करन दा मकसद तकवा है। अल्लाह आंदे ने कुर्बानियां करवा के मैं तुसानू मुत्तकी बनाना, और मस्जिदां दी बुनियाद उसी सालत तकवा। सहाबा ने मस्जिद नबवी बनाई ते अल्लाह आंदे ने तकवे ते बुनियाद रखी है। अल्लाह ने कुरान च जगह जगह ते सानू मुत्तकी बनान बनन दा हुक्म दिता है। सोहणिया या अमीरुल मोमिनीन दसो ना, तकवा किनू आंदे ने? अल्लाहु अकबर हजरत यानी आंदे ने अल खौफुल जलील, सुन लो चंद बातां। अल खौफुल जलील, जिदे दिल अंदर अल्लाह दा डर होवे, अल्लाह दा खौफ होवे, हर वेले रब तो डरदा रहिंदा है, सवेरे भी डरदा है ते शामी भी डरदा है, दिन भी डरदा है ते रात भी डरदा है, रोशनी च भी डरदा है ते अंधेरे च भी डरदा है, इन्ना रब कोलो डरदा है, इन्ना रब कोलो डरदा है। अल्लाह तो डर के हर गुनाह ही छड़ देंदा है, अल्लाह तो डर के नेकियां करन लग पैंदा है, अल्लाह तो डर के नमाजी बन जांदा है, अल्लाह तो डर के सजदे पै पै के रब नू मनांदा है। ये रोंदा रहिंदा है, इहदियां नमाजां च अथरू नहीं रुकदे, ये पिछली रात उठ उठ के रोंदा है, इहनू रब दा डर बड़ा है। यार कदी सोचिया कर, अल्लाह दे बंदे, अल्लाह दा वास्ता है रमजान दा महीना है, यार कदी तेनू मैनू भी मौका मिलिया पिछली रात रोण दा? कदी साड़ी अख चो रब दे आ डर नाल कदी आंसू डिगे है? असी ते एडे पत्थर दे ना, सानू रोना आंदा ही नहीं है, असी ते रोंदे ही नहीं हाँ।
यार क्यों रोईए। ये आते ने असी तो बख्शियां बख्शाइया रोवा, कई दिल च जनाब गुमान बह गए हैं साढ़े नबी ने साड़ी सिफारिश ही कर देनी है, केड़ी लोग रोन केड़ी लोड़ रोन दी। और यार मेरे पैगंबर ने दसिया है ईमान वालिया दियाँ रात रोंदियाँ गुजरदिया ने, मुसल्ले ते मेरे पैगंबर रोंदे रह, अबू बकर रोंदे रह, हजरत उमर रोंदे रह, हजरत उस्मान रोंदे रह, हजरत अली रोंदियाँ रात गुजार दें दे। और मेरे पैगंबर दे यार रो रो के रात गुजार दे और रोंदियाँ रोंदियाँ रब नू मनांदे रहंदे। अगर कुरान पढ़ दे अल्लाह हू अकबर अल्लाह ते कुरान पढ़ दिया अगर क़यामत दी आयत आ जांदी, हजरत उमर इन्ना रोंदे इन्ना रोंदे इन्ना रोंदे कि नमाजी समझ दे कि यार इंज लगता है हजरत उमर इस आयत ते ही शहीद हो जाएंगे, दुनिया तो रुखसत हो जाएंगे, सानू रोना क्यों नहीं आंदा। उहदी वजह सानू रब का डर कोई नहीं, अल्लाह का खौफ कोई नहीं है। रब का डर होवे ते चोर चोरी क्यों करे, बेईमान बेईमानियां क्यों करे, हराम खान वाला हराम क्यों खाए, सूदी सूद लैन तो बाज आ जाए। अगर रब का डर आवे फिर बंदा जानी जना तो बाज आ जाए, शराबी शराब छड़ देवे, झूठ बोलन वाला झूठ ना बोले, चुगली करन वाला चुगली ना करे, गीबत करन वाला गीबत ना करे, हराम कमान वाला हराम ना कमाए। अगर अल्लाह का डर होए अल्लाह का खौफ दिल च पैदा हो जाए फिर साड़ियाँ अखियाँ के अंदर आंसू होवे ते रब का डर होंदे, अल्लाह के सामने बंदा रोंदा नजर आए, अपने पिछड़े गुना बख्शांदा नजर आए, अल्लाह के सामने गिड़गड़ांदा नजर आए। तकवाए दा नाम है रमजान आया है मेरे तुहाडे कोल पैगाम लैके, अल खौफुल जलील अल्लाह का डर दिलां च पैदा कर लो, वल किना तो बिल कलील हर वेले जिन्ना रब देवे उहदी ना शुक्री ना करया कर, अल्लाह भुखियां रख के अल्लाह फाके दे के अजमा लवे मेरे रब दियां मर्जियां ने। अल्लाह जिस हाल च भी रखें तेरा शुक्र है, अल्लाह जिस हाल च भी रखें तेरा शुक्र है, अल्लाह जिमें भी रखें हर वेले अल्लाह दे शुक्राने दे तराने गाया कर, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाली मा काल। मेरे अल्लाह ने जिस हाल च भी उन्हों चंगा लगता है वह जिमें अपने बंदे नाल मुहब्बत कर दें जिमें रखना चाहे वह देते राजी हो जाए, जिन्ना बंदे नू देवे अपने रब का कदी शिकवा ना करया कर, कदी गिले ना करया कर, वल किना तू बिल कलील अगर रब थोड़ा दिता है तो वे भी राजी हो कि अल्लाह का शुक्रिया कर। यदा नाम तकवाई ये कौन फरमा रहे ने, सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत अली शेरे खुदा अली मौला शेरे खुदा ने मेरे पैगंबर दे दमाद हसनो हुसैन दे अबू और जिन्होंने यार इलम का दरवाजा तो इलम का बाप कहना है, आओ ना जनाबे अली ए मिंबर ते खड़े हो के फरमा रहे ने लोगो, वल किना तू बिल कलील थोड़े भी